हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ वेयर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोल रहा है कि आइसोटोप को कैसे पोजीशन आइसोटोप की पोजीशन को कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखाया गया है। हाउ वेयर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकोल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निकेल और कोबाल्ट का जो पोजिशन है उसको कैसे रिजोल्व किया गया। और तीसरा है वेयर शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करना है, चाहिए गिव रीजन फॉर योर आंसर और अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो एक एक करके हम लोग पहले समझते हैं, पहले आइसोटोप के बारे में समझते हैं। तो आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप का होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है एक, हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, दोनों सभी तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है। एटॉमिक मास किसी का वो एक होता है, किसी का दो होता है, किसी का तीन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक है, ड्यूटेरियम का दो है और ट्राइटियम का तीन है। तो यहाँ पर आइसोटोप सेम एटॉमिक मास सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन सो देयर एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो द सो देयर एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो सेम सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर हैव द सेम एटॉमिक नंबर दे कैन put at one place in the same group in the same group of the periodic table। ठीक है, अब बोला गया कि जितने भी आइसोटोप होते हैं उसका जो एटॉमिक प्रोटॉन का नंबर सेम होता है जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर भी सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनको एक ही प्लेस पर एक ही ग्रुप में एक ही प्लेस पर डाल दिया जाता है। इस तरह से आइसोटोप के पोजीशन का सॉल्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि कोबाल्ट और निकेल का कैसे सॉल्व किया गया। तो कोबाल्ट और निकेल में हम लोग देखा गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको जो अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया था। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 27 है और निकेल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकेल को बाद में रखा गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कोबाल्ट विथ लोअर एटॉमिक नंबर प्लेस्ड या ऐसा लिख सकते हो शुड कम फर्स्ट एंड निकेल एटॉमिक नंबर जिसका 28 होता है इज फॉलोड और उसके बाद कोबाल्ट पहले आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 27 है।
और जिसका एटॉमिक नंबर 28 है वो बाद में आएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही बोला गया था जी एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाएगा, एटॉमिक नंबर जिसका पहले आएगा वो पहले लिखकर रखा जाएगा और एटॉमिक नंबर जिसका बाद में आएगा वो बाद में रखा जाएगा। तो कॉपर कोबाल्ट पहले रखा जाएगा और निकेल बाद में। अब क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया कि व्हाट शुड द वेयर शुड हाइड्रोजन बी प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करना चाहिए। तो हाइड्रोजन हैड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप वन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड एट द प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप वन, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप वन। अब ग्रुप वन में एबव द एल्कली मेटल, एबव द एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होता है एल्कली मेटल से, बिकॉज बिकॉज हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। देखो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होने की वजह से इसको ऐसा रखना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन भी 1, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन 2 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का अगर देखोगे तो 2 8 1, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है, सिमिलर जैसा रख रहा है। ठीक है, हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं, सिमिलर वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।